आपको बताएंगे घुटनों में दर्द क्यों होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुराग शुक्ला डिस्ट्रिक्ट हरदोई से, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जॉइंट्स पेन की, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे घर में मिल जाती हैं और उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि हमारे वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो हम आपके लिए लाते रहते, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बढ़ती उम्र और शरीर में पोषक तत्वों की कमी जैसे भी और बहुत से ऐसे कारण होते हैं जो घुटनों में दर्द के लिए जिम्मेदार होते हैं। वर्तमान में खान पान और इतना ज़्यादा बदलाव आ गया है हमारे जीवन शैली में कि व्यक्ति के शरीर को पोषक तत्व निश्चित मात्रा में मिल ही नहीं पाते, जिसकी वजह से दर्द होने लगता है। यही वजह है कि आजकल के बच्चे भी इस गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। घुटनों का दर्द किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये केवल बुढ़ापे में ही होता है। खुशकिस्मती ये है कि घुटनों का दर्द लाइलाज नहीं है, कुछ घरेलू उपायों को आजमाकर घुटने के दर्द को दूर किया जा सकता है। घुटनों में कई कारणों से दर्द हो सकता है, उम्र के असर के अलावा पोषक तत्वों की कमी से भी, या कहीं गिरने या फिर चोट लगने से भी घुटनों में तकलीफ होती है। अगर किसी चीज़ से टकरा कर आपके घुटनों में दर्द बैठ गया है, जिसे अक्सर अंदरूनी दर्द भी कहा जाता है, तो आप कुछ घरेलू उपाय अपनाकर इस दर्द से राहत पा सकते हैं। ये उपाय आजमाने में बेहद आसान है और इसमें घुटनों का दर्द और घुटनों में सूजन जो है वो कुछ ही दिनों में ना के बराबर महसूस होगी। जिंजर या कहें अदरक का इस्तेमाल किया जा सकता है। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, ये दर्द को दूर करने में हमारी मदद करता है और जोड़ों में दर्द या सूजन आ गई है तो ये सूजन को भी कम कर देता है। इसके इस्तेमाल के लिए अदरक के छोटे छोटे टुकड़े उसे गर्म पानी में डाल लीजिए। अब पानी को छानकर उसमें स्वाद के लिए शहद और नींबू मिला दीजिए। नींबू का रस 2-3 बूंद मिला सकते हैं। इस पानी को पीने पर आपको घुटनों के दर्द से काफ़ी आराम मिलेगा। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस है नहीं, हर सर्दी चल रही हर घर में अदरक मिलेगी, नींबू मिलेगा। आराम से शहद मार्केट से शहद ले लीजिए, प्रयोग करिए, बहुत आराम मिलेगा। सरसों का तेल बहुत रामबाण होता है घुटनों पर, सरसों की तेल की मसाज भी अच्छा का असर दिखाती है। इस मालिश से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, सूजन कम होगी और दर्द से राहत मिलेगी। 2 चम्मच सरसों के तेल में 1 लहसुन की कली काट कर डाल दीजिए और गर्म कर लीजिए। तेल को आंच से उतार कर हल्का गर्म होने तक इसका इंतजार करें। अब इस तैयार तेल से हाथों को गोलाई में घुमाते हुए घुटनों की अच्छी से मालिश करें, बिल्कुल गोल गोल। देखिए आपको कितना जल्दी आराम मिलता है। कपूर का तेल, इस तेल की मालिश भी आप घुटनों के दर्द से राहत दिलाने के लिए कर सकते हैं। इसे लगाने के लिए 1 चम्मच कपूर के तेल में 1 चम्मच नारियल का तेल मिला लीजिए और अच्छे से गर्म कर लीजिए। तेल ठंडा हो जाए तो 2 दिन में 2 बार इस तेल का घुटनों में मालिश करें। ये घुटनों में अंदरूनी दर्द को भी जाकर सही कर देता है। हल्दी को भी औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुणों से भरपूर हल्दी का पेस्ट दर्द के लिए लगाया जा सकता है। इस पेस्ट को बनाने के लिए 1 चम्मच हल्दी में ज़रूरत के हिसाब से पानी लेकर उसे पेस्ट बना लें और घुटनों पर लगाएं। इसे दिन में 2 बार लगाएं, आपको बहुत आराम मिलेगी। सिकाई कर दें, अगर घुटने दर्द हो रहे हैं सिकाई कर दें और नी कैप जरूर पहनिए। सर्दी में नी कैप या कहें घुटनों के मोजे वो आते हैं, उनको आप जरूर पहनिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। उम्मीद करेंगे आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जब भी कभी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें सबसे पहले वो आपको बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।